Yeah, Bewakufiya is coming out in March, 14th of March 2014. I'm looking forward to it. I think January is its promotion to do. Ties of Life hai aur do alag alag tarah ke log isko ek jisne writ likhi hai Habib Faisal unka bahut hi earthy style hai aur Nupur Astana unka bahut cool style hai. I think it will be earthy cool, so it'll, I'm looking forward to it. PETA ka bahut bada initiative hai aur India Resort mein Fashion Week ka bhi bada initiative hai ki ye ABC ko promote kar rahe hain. It's called Animal Birth Control. Ab animals human beings ke tarah dekhte kaan use kar rahe hain. So I think as guardians, as wise guardians, we should promote dog sterilization and cat sterilization. क्योंकि सफरिंग कम होती है. ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स द शेल्टर्स आर लेस. उनके घर कम है और लेकिन पॉपुलेशन की ज़्यादा है. ओवर पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा डिटरेंट है, तो एनिमल्स के लिए भी बहुत बड़ा डिटरेंट है. तो उनकी सफरिंग इसलिए कम होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन उनको स्पेस कम मिलती है, खाना कम मिलता है एंड अपनी उनकी टेरिटरी कम होती है, जिसकी वजह से वो बाइट करते हैं. एंड स्टेरिलाइज करने के बाद एक अगर आप डॉग स्टेरिलाइज करते हैं, एक फीमेल डॉग स्टेरिलाइज करने के बाद यू कैन you can save 62,000 births of puppies. And if you sterilize one cat, female cat, you save at least 420,000 births of kittens. बहुत बड़ा number है, so I think it's a very big. I think it's a very human side of it. If you feel for the animals, आप I think animal lovers बहुत ज़्यादा हैं. आप आजकल it's pretty cool that बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं animals को support करने में. करने के लिए काफ़ी इश्यूज हैं जो इंडस्ट्रीज में, जैसे एनिमल टेस्टिंग होती है, उनको रोकना चाहिए. आई थिंक एक एनिमल राइट्स के ऊपर हम कुछ बात नहीं करते हैं और वो भी फॉलो करना चाहिए. आई थिंक लोकल गवर्नमेंट को भी ये स्टेप्स लेने चाहिए, एनिमल स्टेरिलाइजेशन, ये जो एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल के स्टेप्स लेने चाहिए. और जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको कई लोग शेल्टर्स में रखते हैं, लेकिन शेल्टर्स भी आजकल कम पड़ गए हैं, इसलिए स्टेरिलाइज करना एक सफरिंग को रोकने के बराबर. मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक दिन में नहीं होगा. और मुझे लगता है यहाँ दो तरह के भारत बसते हैं. मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया. और काफ़ी कल्चरल शॉक्स मिलते हैं अगर कोई गांव से शहर में आता है. वो शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि यहाँ पर औरतें जो हैं उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, वो कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं मर्दों से. तो मेल ईगो काफ़ी हर्ट होती है उससे. आई थिंक अगर हम सेंसिटाइज करेंगे उन मर्दों को जो शायद गाँव से आते हैं, शहरों में आते हैं, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम. हमारी अगर एजुकेशन बेटर होगी, उनकी अवेयरनेस बेटर होगी, हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा उन्हें. आई थिंक इसको थोड़ा वक्त लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा. आयुष्मान न्यू ईयर आ रहा है, तो आपके प्लान्स क्या हैं न्यू ईयर के? कुछ प्लान यार, न्यू ईयर प्लान्स हर एक आर्टिस्ट का वर्किंग होता है. न्यू ईयर एक्चुअली वी डोंट पार्टी, वी जस्ट हेल्प पीपल पार्टी. न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आई थिंक द सेम रेजोल्यूशन टू बी हेल्दी, बी फिट एंड बी वेजिटेरियन. या